तो फेल की फैमिली एक फाड़ू एक्शन गेम जिसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर उसके तीसरे और आखिरी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इन केस आपने इसके पहले के दो एपिसोड मिस कर दिए तो टेंशन की बात नहीं है, उन दोनों ही एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप फटाफट करके दोनों ही एपिसोड देख लीजिए ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी है और यहाँ तक का जितना भी गेम प्ले वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। और अभी मैं आपको जल्दी से याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो लास्ट एपिसोड में एडलर की टीम को ये पता चला है कि पर्सियस ने जो बॉम्ब चोरी किए वो और किसी के नहीं बल्कि अमेरिका ही के हैं। और पर्सियस का प्लान है कि वो ये अमेरिकन बॉम्ब्स को दूसरे देशों में फोड़ेगा ताकि सबका इल्जाम अमेरिका के ऊपर लग जाए। तो सोवियत यूनियन के बहुत सारे स्लीपर एजेंट्स हैं जो कि पर्सियस के लिए काम कर रहे हैं और ये सभी स्लीपर एजेंट्स पर्सियस की मदद कर सकते हैं इन बॉम्ब्स को फोड़ने के लिए। इसलिए एडलर की टीम को पर्सियस को तो रोकना ही है, लेकिन उन्हें फिलहाल केजीबी के हेडक्वार्टर घुसकर ये स्लीपर एजेंट्स के नाम निकालने हैं। तो फिलहाल आप ये खाने पीने का लेके आराम से बैठ जाइए क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये कोल्ड वॉर का लास्ट एपिसोड है। तो हो सकता है कि डेढ़ घंटे से ऊपर के एपिसोड जाए, लेकिन कितना भी लंबा एपिसोड हो ये आज आखिरी करेंगे इसको। और देख लीजिए मैंने वादा किया था कि कोल्ड वॉर को मैं तुरंत खत्म करूंगा और 3 से 4 दिन के अंदर खत्म कर रहा हूँ। तो इसी बात पे एकदम वीडियो को फटाक से लाइक कर लीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ऐसे और सीरीज देखने के लिए ना सिर्फ सब्सक्राइब करिए बल्कि बेल नोटिफिकेशन ऑल पे करके रख लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं तो आपको एकदम फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। The Lubyanka building, KGB headquarters in Moscow. The sleeper agent records are stored in the archives 100 feet below ground in a nuclear defense command bunker. Your only way in or out is through this high security elevator. We'll need proper credentials. That's where our asset Belikov comes into play. Belikov has been our source inside the KGB for nearly a decade. He'll get us in. He came through for us in Yamantau. He'll do it again. This shit is crazy, even by his standards. You sure he's on board? An immediate nuclear threat warrants every risk at this point. I'm sure he wouldn't disagree. Sims, get Belikov on the line. अच्छा बेलिकॉव याद है ना, केजीबी के हेडक्वार्टर में काम करता है लेकिन ये आदमी डबल एजेंट है। मतलब कि काम तो करता है ये दुश्मनों के हेडक्वार्टर में लेकिन ये अंदर से इनका खुफिया आदमी है। तो एडलर को इसी की मदद लेनी होगी यहाँ से नाम निकालने के लिए। Алло, Беликов на трубке. Извините, я думал, что это посольство Сингапура. तो जैसा आपको याद ही होगा कि बेलिकॉव लास्ट एपिसोड में मिला था मेसन और वुड्स को और यामांटू के पहाड़ से जो सोवियत यूनियन डेटा स्टोरेज निकालने की सोच रहे थे वो मेसन और वुड्स ने बेलिकॉव की मदद से वहां से निकाल लिया था। तो मिशन की ब्रीफिंग में एडलर ने बताया कि जो स्लीपर एजेंट्स के नाम चाहिए ना वो केजीबी के हेडक्वार्टर के अंडरग्राउंड बंकर में। तो ऑब्वियसली उस बंकर तक पहुंचने के लिए एडलर को एक नकली आईडी चाहिए और इसलिए एडलर ने सजेस्ट किया कि बेलिकॉव जिसने हमारी पहले भी मदद करी थी वो केजीबी के हेडक्वार्टर में काम करता है तो वो इस बारे में मदद करेगा। तो सिम्स भी बोलने लगे कि बेलिकॉव केजीबी हेडक्वार्टर में अपने लोगों को धोखा देने जाएगा तो उसके लिए भी रिस्क थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो एडलर का कहना था कि पर्सियस न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने जा रहा है तो ये सब छोटे मोटे रिस्क क्या है। और इस वजह से एडलर को लगता है कि बेलिकॉव भी ये खतरा लेगा और उनकी मदद करेगा बंकर में जाकर स्लीपर एजेंट्स के नाम निकालने में। और अब एडलर ने नकली फोन किया है तो अब लाइन को सिक्योर करके उससे बात करना होगा, मुझे बेलिकॉव बना दिया गया है। तो चलो फिर कनेक्शन सिक्योर करते हैं और एडलर से बात करके सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आ जाओ। तो जैसा मैंने बोला कि मैं बेलिकॉव बना हुआ, एडलर को बता देता हूँ कि लाइन सिक्योर है। We're almost to the tunnels. Did you get access to the bunker? तो एडलर और उसकी टीम आने वाली है और जिस बंकर से स्लीपर एजेंट्स का नाम निकालना है उस बंकर का एक्सेस चाहिए जो अभी मिला नहीं है लेकिन मिल जाएगा। That's what I like to hear. अच्छा मुझे दो ऑप्शन दिया है कि या तो मैं बोल सकता हूँ कि बंकर की मिलने में मुझे प्रॉब्लम होगी और हो सकता है फिर एडलर को लाना पड़े, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि मैं लेते आऊंगा, टेंशन मत लो। Not yet. I know you have this under control. And one more thing. One of our East Berlin informants recently switched sides and fled for Moscow. We have reason to believe he's in the Lubyanka building today. He knows too much about our Berlin network. I'm thinking an early retirement. अच्छा ये याद है लास्ट एपिसोड में जब मैं बेल बना हुआ था तो स्टार्टिंग में इसको बचाया था, पर इसने क्या करा है कि पैसे लेकर सोवियत यूनियन को अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी और उसकी वजह से बेल और एक और लड़की पकड़ा गई थी। इसलिए एडलर का कहना है कि आज ये इसी बिल्डिंग में है और इसको हमारे बारे में जरूरत से ज्यादा पता है तो इसको भी ठिकाने लगा देना। तो मैं मना भी कर सकता हूँ लेकिन मना क्यों करूंगा, इसको मैं मारूंगा क्योंकि लास्ट एपिसोड में मैंने जो इसको बचा के गलती की थी वो गलती सुधारने का मौका मिल रहा है। Good man. Now I know why Hudson thinks so highly of you. We'll meet you at the basement entrance once you have the bunker key. तो जैसे ही मुझे यानी कि बेलिकॉव को बंकर की मिल जाएगी तब एडलर और उसकी टीम मिलेगी बेसमेंट में और फिर उनको लेके जाना होगा बंकर तक। कामरा बेलिकॉव, यू बीन समन्ड टू द कॉन्फ्रेंस रूम अपस्टेयर्स। सेक्रेटरी गॉर्बाचोव इज हियर फ्रॉम द सेंट्रल कमिटी।
ओके, तो कोई सेक्रेटरी गोबरेचोव, क्या तो नाम है तेले ने, क्या उन्होंने कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम में बुलाया है, कोई मीटिंग है, जो भी उसको अटेंड करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि बंकर की कैसे लाना है। इन लोगों के इरादे सही नहीं लग रहे, इनको कहीं बेलिकॉफ यानी कि मेरे बारे में पता तो नहीं ना चल गया कि मैं CIA के लिए काम कर रहा हूँ। Comrade Belikov, have a seat. General Secretary Brezhnev has taken an interest in the new security development. There's a mole within the KGB. The committee wants someone from the first chief directorate to oversee Colonel Kravchenko's investigation. If you've not met him already, this is Imran Zakayev. Thank you, Secretary Gorbachev. And thank you all for welcoming me with open arms. I can think of no greater tragedy than a home violated from the inside. The trust and love within a family is sacred. Apparently. Not everyone shares your beautiful sentiments. Comrade Belikov, as head of security, I understand you've practically exhausted yourself trying to unearth this mole. How is that gone? तो ऐसा है ना कि इन लोगों को पता चल गया है कि KGB के हेडक्वार्टर में कोई तो खबरी है और उस खबरी को पकड़ने के लिए ज़काएव को बुलाया गया है। और मजे की बात ये है कि यहाँ का हेड ऑफ सिक्योरिटी और कोई नहीं बेलिकॉफ ही है, जो कि खुद खबरी है। तो ये ज़काएव बेलिकॉफ से यानी कि मुझसे जानना चाह रहा है कि मैंने खबरी को ढूंढने के लिए सारे सबूत इकट्ठा किए हैं या कुछ मेरे पास ऐसा है क्या। तो अब अपने बारे में मैं इनको सबूत क्या ही दूं, तो मेरे पास तीन ऑप्शन है। मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सबूत है जिससे मैं खबरी को ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा ना कि मेरे पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है तो हो सकता है कि ये लोग और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने लगे और बंकर की ढूंढने से पहले ही बेलिकॉफ को पकड़ लें। तो तीसरा वाला ऑप्शन मैं लेता हूँ और देखता हूँ ये लोग क्या बोलते हैं। Yes. And once we are finished with this mole, he will be as blind and buried as his namesake. बताओ, मुझे ही दफनाने की बातें मेरे सामने ही कर रहे हैं। Until the mole is found, I want security increased around the bunker. Zakayev, do you have any recommendations? We should restrict bunker access. We also want to cultivate closer relationships with all of you. I want to know your hopes, your fears, your ambitions. Be thorough, but we don't want any significant disruptions. And you, Belikov? Who do you think should retain bunker access during the investigation? ये भाई साहब आपने बड़ी अच्छी बात करी है। तो ये लोग क्या करने जा रहे हैं कि बंकर के पास सिक्योरिटी बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया कि इनके बीच में कोई गद्दार है। पर अच्छी बात ये है कि सेक्रेटरी बेलिकॉफ से यानी कि मुझसे ही जानना चाह रहे हैं कि बंकर की चाबी किसके किसके पास रहनी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि बंकर की चाबी ये जो सामने बैठा हुआ है ना ज़काएव, इसके पास और मेरे पास रहनी चाहिए। तो बंकर की चाबी जैसी मुझे मिलेगी, बेसमेंट में एडलर इंतजार कर रहा है, उसको ले आके दे दूंगा। कॉमरेड बेलिकॉफ, माय अपोलॉजीज, Even your bunker access has been revoked. We can't be too cautious, can we? Secretary Gorbachev, I believe it would be best if only General Charkov retains his bunker key for now. Very well. See to it. Worry yourself no longer, sir. I've already ordered the bunker keys collected from the men. Comrade Belikov, we are in grave danger from the capitalists. Our collective... Our very way of life is at risk. The traitor will be caught. And he will pay a high price for his betrayal. Belikov, you are dismissed. तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़काएव को शक हो गया बेलिकॉफ के ऊपर कि बेलिकॉफ ही गद्दार है, और इसलिए मैंने बंकर की चाबी मांगी तो ज़काएव ने मना कर दिया, माफी मांग के ही मना किया लेकिन मना कर दिया है, और सिर्फ जनरल चारकोव के पास बंकर की चाबी है। अच्छा, इस पूरे हेडक्वार्टर का मैप भी मिल गया मुझे, तो बंकर की चाबी अलग अलग तरीकों से उठाई जा सकती है। I'm being watched. I need the bunker key. Now, first, I'll have to kill the cameras. तो बंकर की चाबी उठाने जाएगा बेलिकॉफ, लेकिन कैमरे से सब पे नजर रखी जा रही है, तो सबसे पहला काम करना है कि KGB हेडक्वार्टर का कैमरा ऑफ करना है, उसके बाद फिर बंकर की चाबी कैसे लानी है ये देखा जाएगा। Sir. इस गार्ड के सामने कैमरा ऑफ करूंगा ये करने देगा? तो मुझे लग ही रहा था रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाना मना है, अगर वहां गया तो गार्ड्स देखकर अलर्ट हो जाएंगे, मिशन फेल। This area is restricted. If I'm spotted here, I'll blow my cover.
तो कैमरा तो ऑफ करना है, लेकिन पहले इसको एलिमिनेट करना होगा। नॉन लीथल टेक डाउन, यानी मरेगा नहीं। Now I need to hide the body. Okay, तो अब इसकी बॉडी भी छुपानी होगी, वरना कोई देख लेगा तब भी मिशन पे। ये मुझे हिटमैन जैसा फील हो रहा है। हिटमैन में ऐसे ही करते थे ना, अब बस कॉस्ट्यूम भी चेंज करवा दो तो पूरा हिटमैन लगेगा। ये अभी तक सबसे अलग कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम मैंने खेला और मैं इस गेम से इंप्रेस हूं। तो कैमरास तो ऑफ कर दिए, अब चाबी कैसे लानी ये देखना होगा। तीन चार तरीके हैं अपने पास। I have to get a bunker key for Adler. He'll need it to access the vault. Unfortunately, Cherkov now has the only one. तो बेलिकॉव मन ही मन सोच रहा है कि एडलर के लिए मुझे बंकर चाबी लानी होगी, तभी वो वॉल्ट को एक्सेस करके स्लीपर एजेंट्स के नाम निकाल पाएगा। लेकिन दिक्कत ये कि सिर्फ चारकोव के पास ये बंकर की चाबी है। तो तीन चार तरीकों से चाबी निकाली जा सकती है, लेकिन मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है जिसमें कैदी को जाके कन्विंस करना है कि चारकोव को वो मार दे। तो ये कैदी मेरी बात मानेगा, आ जाओ उससे बात करके देखते हैं। तो इस कैदी को कन्विंस करना है कि चारकोव जैसे आए ना तो उसको मार देना। अगर हिटमैन होता तो इस कैदी को मार के हिटमैन इसकी जगह ले लेता। नहीं, Whoever you are, you won't get shit out of me. तो ये कैदी बोल रहा है कि तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। तो टेंशन मत ले भाई, मैं पूछताछ करने नहीं आया हूं। मैं इसको बोलता हूं कि देख, तू ऐसे भी यहां पे मरने वाला है तो चारकोव को मारते हुए बदला ले ले कम से कम। I don't need to play your games. Just do whatever it is you're going to do. मैं जानता था मेरी ये बात मानेगा नहीं। अच्छा, कुछ प्रिजनर फाइल है जो मेरे पास है नहीं, अगर वो फाइल लेके मैं आऊंगा ना तो शायद ये फिर मेरी बात माने। Ivanov won't cooperate. Нет. I should find leverage in the records room. तो रिकॉर्ड्स रूम में ये कैदी के खिलाफ जो फाइल होगी उसमें इसकी शायद कुछ कमजोरी मिल जाए, जिसका फायदा उठा के मैं इसको धमकी दे सकूं और बोलूं कि तू चारकोव को मार वरना तेरी ये कमजोरी देख ले। पर पहले पता तो चले कि इसकी कमजोरी क्या है। तो इस कैदी की फाइल निकालने के लिए मुझे रिकॉर्ड्स रूम में जाना होगा, जो कि इतना आसान तो नहीं होने वाला है। ये लोग इतनी आसानी से जाने देंगे? रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और गार्ड यहीं पे घूम रहा है। एक मिनट, इस रूम के अंदर वो है जिसको मैंने लास्ट एपिसोड में बचाया नहीं था और पैसे लेकर उसने सोवियत यूनियन से बेल को पकड़वा दिया था। इस रूम के अंदर है। इस रूम के अंदर भी जाना मना है, फटाफट काम करना होगा। तो लास्ट एपिसोड में गेम ने ऑप्शन दिया था मुझे इसको मारने का, लेकिन मैंने इसको मारा नहीं। ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसने फिर बेल को पकड़वा दिया था और उस लड़की को भी पकड़वा दिया था। और एडलर ने ऐसे भी बोला इसको मारने के लिए, तो ये काम भी साइड से अपना कर देते हैं। अगर ये जिंदा रहेगा तो एडलर की टीम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को दे देगा, तो इसका मरना जरूरी है। The armory guard has a weakness for Cubans. Okay, perhaps a bribe could get me inside. Adler will be pleased. Now I need to focus on the bunker key. तो एडलर ये जान के खुश हो गया कि जो बच गया तो उसको मैंने मार दिया है और अब बंकर की चाबी ढूंढनी है और उसके लिए अपने को रिकॉर्ड फाइल से उस कैदी की फाइल निकालनी है। It's not easy being a double agent, huh? मेलिकॉव इसको ताना मार रहा है कि डबल एजेंट बनना है तो मेरे ऐसा बन भाई, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है। तो इससे पहले गार्ड इधर घूमे, एक चक्कर लगाने जा रहा है, फटाफट दरवाजा खुलना होगा। मुझे लग ही था कि अंदर भी कोई ना कोई 3-5 गार्ड होगा। चलो इसको भी टेक डाउन किया जाए। ये मिशन करके लग ही नहीं रहा है कि कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम खेल रहा हूं। पक्का लग रहा है कि फर्स्ट पर्सन मोड में हिटमैन खेल रहा हूं।
कैदी की फाइल उठाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है, इस दरवाजे को भी खोलना होगा, इसके अंदर भी गार्ड होगा पक्का। KGB has his wife and daughter's abductions already planned. That's good. I can use this to my advantage. अच्छा, तो उस कैदी की फाइल से ये पता चला है कि इन लोगों ने प्लान बना लिया है कि इस कैदी की बीवी और बच्चे को वो लोग उठाएंगे और इससे वो लोग फिर पूछताछ करेंगे धमकी देकर। तो अब इस इन्फॉर्मेशन का बेलिकॉफ इस्तेमाल कर सकता है उस कैदी को बताने के लिए कि देखो तुम्हारे बीवी बच्चे को ये लोग किडनैप करने जा रहे हैं, तो तुम चारकोफ को मार दोगे तो मैं तुम्हारे बीवी बच्चे को बचा सकता हूँ। तो लास्ट टाइम बात करने आया था तो मुझे गरिया के भगा दिया था ना, लेकिन अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। What? What does my family have to do with any of this? तो बेलिकॉफ ने बताया कि केजीबी भी तुम्हारे परिवार को उठाने वाले हैं, तो इसका कहना है कि मेरे परिवार का इससे क्या लेना देना। तो इसको मैं बोलता हूँ कि देखो अगर तुम मेरी मदद करते हो चारकोफ को मारकर, तो मैं तुम्हारे परिवार को बचा लूंगा। Yes, anything. Please, what do I need to do? तो ये कैदी मान गया है, अब इसको बता देते हैं कि चारकोफ को मारो और मैं इसकी हथकड़ी खोल देता हूँ और बोलता हूँ कि देखो सवाल मत पूछना कि मैं चारकोफ को मारने क्यों बोल रहा हूँ। Kill him. I'll try. But swear to this, my own life for my family. तो ये आदमी अपनी जान दे रहा है लेकिन इसका कहना है कि मेरे परिवार को बचा लेना, क्योंकि ये चारकोफ को मारेगा तो गार्ड्स इसको तो मार ही देंगे। इसकी हथकड़ी खोल देते हैं और तमाशा देखते हैं अब। Belikov, I've just heard the most amusing thing. Let's chat once I'm finished here. Comrade, how's our friend doing? I don't know, sir. He doesn't have much to say. Oh, we'll see about that. Citizen Ivanov, I trust you're enjoying your accommodations. तो चारकोफ को पता ही नहीं कि मैंने उसकी हथकड़ी खोल दी है। अब यहाँ से तमाशा देखते हैं। Be advised, we have a situation in the holding cell. तो कैदी ने अपना काम कर दिया, चारकोफ को मार दिया है और चाबी तो उठा सकते हैं लेकिन पहले इस गार्ड को ठिकाने लगाना होगा। अच्छा, इससे बात करने का ऑप्शन दे रहा, बात करते हैं। अच्छा, मैं इसको बोल देता हूँ कि सबको बाहर रखो, मैं देखता हूँ यहाँ पे सिचुएशन। Yes, sir. तो ये कैदी को तो सिर्फ गन से एक बार मार पड़ी थी तो पता नहीं मरा है कि नहीं मरा है, पर मैं चाबी लेकर निकलता हूँ। Okay, now I need to head to the basement and let Adler's team in. बहुत मेहनत लगी लेकिन बंकर की चाबी मिल गई है, अब एडलर की टीम को बेसमेंट से यहाँ अंदर लेकर आना है। How can I help you, sir? तो इसे गेट खुलवाते हैं और बोलते हैं कि मैं सिक्योरिटी चेकअप करने जा रहा हूँ, गेट खोल। अच्छा, ये बंकर की चाबी लेने के लिए तीन चार तरीके और थे, मैं बाद में खेल के देखना चाहूंगा कि और कैसे कैसे ले सकते थे चाबी। Adler's team will need uniforms to get past security. Luring two soldiers into the tunnel should do the trick. तो बेसमेंट से एडलर को केजीबी हेडक्वार्टर के अंदर तो लेते आएंगे लेकिन सिक्योरिटी के सामने से जाने के लिए एडलर की टीम को यूनिफॉर्म चाहिए। तो बेलिकॉफ ने प्लान बनाया कि ये दो गार्ड्स को बुलाएगा टनल के अंदर और उनको मार के बेहोश करके उनके कपड़े ले लेंगे। Belikov here, send the security detail to meet me in the furnace room immediately. तो गार्ड्स को बुला लिया बेलिकॉफ ने, अब एडलर की टीम को अंदर बुलाया जाए। Wasn't sure you'd come through. I don't have much choice, do I? अच्छा अच्छा, मुझे अब बेल बना दिया गया है, ठीक है। This key card gives you elevator access to the bunker. What about uniforms? Shh, sounds like they're here now. Okay, I will lead them through and distract them. You two do the rest. Now, take cover. Keep it clean. Uniforms are no good to us bloody. तो दो गार्ड्स को लेकर आ रहा है बेलिकॉफ, डिस्ट्रैक्ट करके रखेगा, दोनों को टेक डाउन करना है गोली से नहीं, हाथ से, क्योंकि यूनिफॉर्म्स गंदे नहीं होने चाहिए।
Нету никакого оправдания этой некомпетентности. У нас есть очень строгие протоколы, чтобы это предотвратить. Понятно? Okay, I have to leave, but you should have everything you need. Now, if stopped, you are reporting to Commander Sobel. Get changed. तो बेलिकोव का काम यहाँ पे फिलहाल खत्म हुआ. बंकर की भी चाबी दे ही दी है और बेलिकोव ने बोल दिया कि अगर तुम दोनों को किसी ने रोका तो बोल देना कि कमांडर सोबोल के अंडर में तुम दोनों काम कर रहे हो. ये नाम याद रखना, हो सकता है कि जरूरत पड़े. Here, our weapons and key card are in the bag. तो ऑब्वियसली हथियार की जरूरत पड़ेगी एक बार जब बंकर में इंटर कर जाएंगे, क्योंकि बंकर के अंदर भी भर भर के गार्ड्स होंगे. तो बैग में हथियार है अपने. Come on, this way. Once we're in the bunker, we're on our own. तो एडलर बेल को यानी कि मुझे समझा रहा है कि एक बार बंकर के अंदर एंटर कर गए हम लोग, फिर वहां बेलिकोव मदद नहीं कर पाएगा. ये एडलर का लुक ही ऐसा अंधेरे में भी ये चश्मा पहना रहता है, तो जिसको शक नहीं भी होना चाहिए ना, एडलर की वजह से पक्का सबको शक हो जाएगा. एडलर चश्मा तो उतार देता है कम से कम. товарищ, можешь опустить нас? बस सर झुका के मुझे एडलर को फॉलो करते रहना है. जो बोलेगा बस फॉलो करते रहो. No metal detectors for us. We're going around. अच्छा वहां पे मेटल डिटेक्टर लगा और अगर वहां से अपना ये बैग लेकर गए तो ऑब्वियसली अलार्म बच जाएगा, इसलिए एडलर ने बोला है कि अपन तो घूम के जाएंगे यहां से. ठीक है. Куда вы направляетесь? Досмотр обязателен для всех без исключения. इस गार्ड ने रोक लिया, बोला कि चेक पॉइंट से होकर जाना होगा आपको, लेकिन बोल देते हैं कि सोबोल के लिए काम कर रहे हैं हम लोग. Вы должны пройти досмотр. Беликов ने यही नाम बोला था ना, कमांडर सोबोल को फायदा नहीं हुआ, चेक पॉइंट से होकर जाना होगा. जैसे ही मैं जाऊंगा अलार्म बच जाएगा क्योंकि बैग्स में वेपन भरे हुए हैं, बेल पकड़ा जाएगा. Товарищ, доставьте вашу сумку сюда для досмотра. Пойдем я нам кобиности. Дайте нам пройти. Не принимайте это близко к сердцу, товарищ. У меня приказ досматривать всех, без исключения. तो मना किया, लेकिन इन लोगों को बैग चेक करना ही है क्योंकि इनको ऑर्डर्स मिले. लो भाई चेक कर लो, लगता है सबको मारे के जाना होगा अंदर, कांड होने वाला है. товарищ, ты нужен за Кайву. Я разберусь. Спасибо, товарищ. Беликов 2 सेकंड और लेट आता ना, वो देख लेता कि इसके अंदर वेपन्स है. पर सही टाइम पे बचा लिया इसने. Просто Вичи, Беликов. По-моему, я здесь, нет? Пойдём. मुझे लग रहा था कि अभी पूरा धूम धड़ाका होने वाला है, लेकिन चलो खैर की. तो अब ज्यादा नहीं, लिफ्ट लेकर बंकर में जाना है जहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स भरे होंगे, वहां जाके धूम धड़ाका कर सकते हैं और उसके बाद वहां से स्लीपर एजेंट्स के नाम लेकर यहाँ से जिंदा निकलना है. बताओ ये कहां से आ गया? यही तो इंक्वायरी कर रहा है कि यहां पर गद्दार कौन है. No, когда вы прибыли? तो ये ज़कायब जानना चाह रहा है कि ये दोनों यहां पर कब आए. बोल देता हूं कि आज ही आए, झूठ बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा. Ах да, разумеется. То ваш командир, я не расслышал. तो ये जानना चाह रहा है कि हम दोनों किसको रिपोर्ट करें. कमांडर सुबोल नाम बोला था ना बेलिकोव ने, चलो उसी का नाम बोलते हैं. Твое сопровождение. Я как раз к нему на прием. Обязательно передам ему привет. इससे बच गए. ऐसे इसको नॉकआउट करने का भी ऑप्शन था. It's assholes like that we gotta watch out for. Gear up.
ओके, तो अब फाइनली गियर अप करके तैयार होना है मार के लिए। They won't be happy to see us down here. Wait for my word. बंकर में सिक्योरिटी टाइट है, जैसे ही एडलर बोलेगा मारना स्टार्ट कर देना है। Прежде чем Кравченко успел... Оружие на землю! This way to the vault. स्लीपर एजेंट्स के नाम वॉल्ट के अंदर रखे, वहां तक बढ़ते रहना अपने को। कैसी आवाज निकाल रहा है, ऐसा लग रहा है उल्टी कर रहा है। ये शील्ड बना के चलने वाला ऑप्शन ना हर कॉल ऑफ ड्यूटी गेम में रहना चाहिए। Things go south. We need to secure our exit. Plant a gas canister in the vent. तो एडलर का कहना है कि यहाँ से निकलने का प्लान बी भी बना के रखते हैं, तो पूरे हेडक्वार्टर के वेंटिलेटर में गैस लगाने का ऑप्शन है। Get to the vault. बड़े एडलर, बढ़ते रहो, मैं पीछे फॉलो कर ही रहा हूं। We're almost to the vault. वॉल्ट तक ऑलमोस्ट पहुंच गया है, ठीक है। वॉल्ट का दरवाजा सामने दिख रहा है, लेकिन पहले अच्छी गन्स उठा लेते हैं, क्योंकि यहां से निकलना इतना आसान तो नहीं होने वाला है। पूरे हेडक्वार्टर में अलार्म बजने लगा है, वाह। तो स्लीपर एजेंट्स के नाम और जो भी इंफॉर्मेशन है सब मैं उठा लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर अच्छी अच्छी गन्स भी हैं, वो भी उठा लेते हैं। और जब तक मैं ये काम कर रहा हूँ, एडलर अपने को बैकअप दे रहा है, बढ़िया। तो सब इंफॉर्मेशन यहां पर सबको एक डिस्क में कॉपी कर लेते हैं और ये डिस्क लेकर निकलते हैं। एक काम करते हैं, माइंड सेट कर देते हैं, क्योंकि लग तो रहा है कि मार होने वाला है अपने साथ। एक और माइंड है मेरे पास, एक और सेट कर। ओ, तोड़ के आ रहे हैं अंदर। माइंड से ही लोग खुद ब खुद मरेंगे, मुझे बस लेट जाना है यहां पर।
Get ready. Here they come. तो उस टाइम तो ऐसा ही कंप्यूटर होता था, तो डिस्क कॉपी होने में बहुत टाइम लग रहा है। कॉल ऑफ ड्यूटी में यह बात मुझे अच्छी लगती है ना कि जो भी अपने टीममेट से वो मरते नहीं है, मैं मर सकता हूं लेकिन वो लोग नहीं मरते हैं, तो उनकी मुझे टेंशन नहीं रहती है। तो सोवियत यूनियन वाले लोग इस प्लेस को लॉकडाउन में डाल रहे हैं, एडलर को फॉलो करते रहना है, ठीक है। बेल भले ही कुछ बोलता नहीं है लेकिन है खतरनाक, देख रहे हो ना। तो निकलने के लिए ऊपर तो जाना ही होगा। एडलर ऊपर जाके अपना क्या प्लान है, क्योंकि भरे हुए गार्ड्स होंगे। तो चालुओं ने यहां पर अंधेरा कर दिया है, पक्का नाइट विजन गॉगल पहन के आए होंगे। उस टाइम नाइट विजन गॉगल होता था 1981 में, पता नहीं, थोड़ा उजाला किया जाए फ्लैशबैंग मार के। पता है नालायक लोग अंधेरे में छुप के बैठे हुए, कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। अरे ये ना मिला काम का सामान, शॉटगन में लगा हुआ है टॉर्च, बढ़िया। एडलर को कैसे पता कि यहां से बाहर निकलने का रास्ता है? You are surrounded. We have your friend. We've got Belikov. Time for plan B, Bill. Activate the gas. ये लोग समझ चुके हैं बेलिकॉव अपना आदमी है, लेकिन प्लान बी का टाइम आ गया है, गैस एक्टिवेट करना है। एडलर चश्मे के बिना अच्छा तो लगता है, चश्मा पहनने की क्या जरूरत है हर टाइम। तो एडलर ने बोल दिया कि मैं बेलिकॉव को मास्क पहनाऊं, और ये लोग तो बेहोश हो ही रहे हैं। तो अब बेलिकॉव अपने को यहाँ से तगड़े हथियार दिलवाएगा जिससे अपन फाइट करके यहाँ से निकल पाएंगे। पता नहीं इन लोगों ने भी फटाफट मास्क का जुगाड़ कर लिया, नहीं अच्छा ही है।
LMGs and explosives. तो यहां से मिलेंगे तगड़े हथियार, तगड़ा आर्मर. ओ ये पबजी की याद दिला रहा है. सही है. Meet us in the southwest courtyard in 5 minutes. Belikov is hitching a ride. Plenty of room in the back seat. Once we get off the elevator, just keep moving towards the courtyard. Get the charge ready, though. तो बस इस हेडक्वार्टर के बाहर लजार कार लेके आ रहा है, वहां तक जिंदा पहुंचना है. Let's go, Bell. अच्छा आर्मर इतना अच्छा दे दिया ना कि ये लोग ज्यादा भी मारेंगे तब भी डैमेज कम ही होगा अपने को. आ जाओ फिर निकले जाए यहां से. Action sequence is made in this film. It's about time. Been waiting for your call. They caused a hell of a mess in Moscow. Was it worth it? Adler managed to get the list of sleeper agent names, despite himself. He's got balls, I'll give him that. Bell did well. Seemingly. But I think that team is getting too comfortable. They're acting like they know who they're dealing with. Perhaps. Turns out, one of those sleeper agents is tied to Operation Greenlight. Theodore Hastings. He's a nuclear engineer based out of Salt Lake City. And you believe Hastings is the one he'll activate? Exactly. Total surveillance is already underway. It's only a matter of time before he leads us straight to Perseus. तो हडसन ये मिस्टर ब्लैक को बता रहा था, ये मिस्टर ब्लैक से अभी तक मिले नहीं, हो सकता है कि गेम के एंड में वो नजर आए. तो हडसन बता रहा था मिस्टर ब्लैक को कि चलो इतना तो मैं मान लेता हूँ कि एडलर के अंदर हिम्मत है क्योंकि केजीबी के हेडक्वार्टर में घुस के वो स्लीपर एजेंट्स के नाम लेते आया. तो मिस्टर ब्लैक का कहना था कि बेल ने भी अच्छा काम किया. नहीं तो हडसन बोलने लगे कि टीम कुछ ज्यादा ही अब ओवर कॉन्फिडेंस में आ रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि पर्सियस को वो संभाल लेंगे. लेकिन ठीक है चलो, ये एडलर जो स्लीपर एजेंट्स के नाम लेकर आया उसमें से एक नाम है हेस्टिंग का, जो कि ऑपरेशन ग्रीन लाइट में हमारे साथ काम कर रहा था. यानी अगर इस हेस्टिंग तक पहुंच गए तो पर्सियस तक पहुंचना आसान हो जाएगा. तो इसको जाके उठाना होगा हेस्टिंग को. This is it. The recent movements of Theodore Hastings has led us here. Cuba. Right in our backyard. A vacant government facility in the Cuban countryside has become a hub of activity for Perseus and the likely location of the stolen nuke. No doubt Castro allowed it. $20 to anyone who can bring him down before me. Who? Castro or Perseus? Whoever. We are not gonna let him move this nuke inside the States. It's time to take down Perseus once and for all. Team, wrap up any unfinished business. Once we strike, there's no turning back. तो एडलर ने बोल दिया कि कोई भी साइड मिशन करना है तो अभी टाइम में कर लो, क्योंकि एक बार ये अब फाइनल मिशन करने जा रहे हैं. हो सकता है कि फाइनल मिशन हो सकता है कि इसके बाद और मिशन हो. What's up? I need a few minutes of your time to discuss something in private. ये पार्क और लजार प्राइवेट में क्या बात करने जा रहे हैं? Let's talk. कुछ काम का होगा तो बाद में अपने को पता चल ही जाएगा. फिलहाल एडलर ने बताया कि ये हेस्टिंग का पता चल गया है, वो और कहीं नहीं बल्कि यहीं पास में क्यूबा में है. तो ये हेस्टिंग ऑपरेशन ग्रीन लाइट में एक साइंटिस्ट था
जिसने इस बॉम्ब पे काम करा है। तो जहां ये हिस्टिंग होगा वहीं पर न्यूक्लियर बॉम्ब भी रखा होगा, और अगर वो बॉम्ब ही उठा लिए तो फिर पर्सियस क्या ही कर लेगा। और हडसन ने बोल दिया कि देखो टीम, चाहे कुछ हो जाए, क्यूबा से बॉम्ब यहाँ स्टेट्स के अंदर नहीं आने चाहिए। तो अब जाके पर्सियस को रोकना ये फाइनल मिशन है, ऐसा एडलर बोल रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई साइड मिशन नहीं कर पाएंगे। तो चलो फिर फाइनल मिशन स्टार्ट किया जाए। Hastings left Salt Lake City. We tracked his movements all the way to Cuba. We have to assume Perseus moved the nuke there. Langley believes Castro could help Perseus smuggle it into the U.S. in exchange for a peek at the hardware, of course. That isn't going to happen. What's the plan? The last read we have on Hastings came from 30 miles south of Havana. We suspect Perseus is using an abandoned compound there to hold the nuke. They're working under the radar, so expect moderate security. I say we smash and grab. Parachute in, grab the nuke, skyhook out. And what if the nuke isn't there? It's there. The only reason Perseus needs Hastings in Cuba is to prepare it for arming and detonation. There you have it. Hudson will arrange our exfil while we're en route. If everyone's ready, let's move out. तो क्यूबा से अमेरिका मिसाइल्स लाने में कैस्ट्रो मदद करेगा, जो कि क्यूबा का प्राइम मिनिस्टर है, और वो पर्सियस की इसलिए मदद करेगा क्योंकि वो देखेगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बना हुआ है, ताकि वो अपने साइंटिस्ट से न्यूक्लियर बॉम्ब बनवा पाए। पर इस चीज की नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि पहले ही इनसे बॉम्ब छीन लेंगे। Adler's late. Now, love, where are they? Adler should be checking in right about. Park, we're in position. Copy that. We're moving to flank. तो लास्ट मिशन है इसलिए पहली बार पूरी टीम आई है और मैं अभी भी बेली बना हुआ हूँ। All teams, we do this fast and loud. Find Hastings, grab the nuke, get the hell out. Woods, light up this joint. About fucking time. Go, go, go! तो एडलर ने टीम को समझा दिया कि यहाँ पे जो भी करना है जल्दी करना होगा। सबसे पहले वो जो साइंटिस्ट है हेस्टिंग उसको मारेंगे, और उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर हडसन प्लेन लेकर तैयार रहेगा, उस प्लेन पर न्यूक्लियर बॉम्ब को बांधेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। तो अगर ये फाइनल मिशन है तो धूम धड़ाके के लिए तैयार हो, मजा आएगा। साइबर में गोलियां कम है लेकिन इतनी इनके लिए काफी है। बिल्डिंग के ऊपर से जो भी टरेट्स गन चल रही है या फिर स्नाइपर राइफल जिनके पास है, उनको मारना मेरी जिम्मेदारी है। टीम आगे बढ़ते रहो, मैं यहां से बैकअप देते रहता हूं। ये सब के सब अंदर क्यों भाग गए? ये क्या झोल है? अंदर सब तैयार रहेंगे। Enemy popping smoke. They're on the move. Throwing grenade. Got MP, second floor. Incoming grenade. ये एमजी मेरे ऊपर ही निशाना लगा के रखा, और रुक जाओ एक सेकंड। ऐसे क्यों लग रहा है कि पूरी टीम मेरे साथ आई है लेकिन सारे लोगों को बैल यानी कि मैं मार रहा हूं। ये
Nazis! Están aquí! No dejen que arriben a la puerta principal. Copy that. तो सीआई के जो बाकी सोल्जर्स हैं वो पीछे से आएंगे हमला करने के लिए, अपन को अंदर जाते रहना है। Park, take your team right. Copy. What did these poor bastards do? Hell of a reward. तो लजार देख रहा है इन साइंटिस्ट को मरा और पूछा कि इन बेचारों ने क्या किया। तो पार्क ने बोला कि इनका काम खत्म हो गया इसलिए इनको मार दिया भाई पर्सियस ने। We could use them to locate the nuclear bomb. Sharp as ever. तो इन्होंने अपनी बिल्डिंग में कैमरास लगा के रखे, उनका एक्सेस चाहिए अपने को, तब पता चल सकता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्डिंग में कहाँ है। Is everyone all right? Bell, sweep for mines. बेचारे साइंटिस्ट लोग को ये सोवियत यूनियन के लोग मार रहे हैं क्योंकि साइंटिस्ट का काम खत्म हो गया है, माइंस बिछा के रखा था यहाँ पर। ये यूजी का डैमेज भले ही कम है और थोड़ा अच्छा वेपन नहीं है, लेकिन हाँ देखने में काफी स्टाइलिश लगता है, इसलिए लेके घूम रहा हूं मैं। सारे माइंस तो मैंने देख ही लिए थे, एक माइन छूट गया था मेरे से, कोई नहीं मरा नहीं मैं। बताओ आरपीजी लेके आ गए ये लोग। कॉम्बैट के लिए अच्छा है, दूर वाले कॉम्बैट में धोखा दे देता है। पार्क और लजार तुम लोग भी मारो ना यार किसी किसी को, ये लजार तो पूरा छुपा ही हुआ है भाई, निकल जा बाहर। उनके सिक्योरिटी रूम को ढूंढना होगा जहां से कैमरा का एक्सेस ले पाए अपन। ये आदमी स्लाइड करते हुए क्यों जा रहा था भाई, इतना स्टाइल मार के मर गया क्या फायदा। लवली, दिस विल कम इन हैंडी, गेट ऑन द कैमरा फीड्स बेल। तो कैमरा को एक्सेस किया जाए, देखे कि न्यूक्लियर बॉम्ब कहां छुपा के रखा है बिल्डिंग में। Mason, you missed one behind the counter. Thanks, Park. ये कैमरा तो बहुत काम आ रहा है। चलो ठीक है, इनकी भी मदद कर दी। बॉम्ब्स कहाँ हैं लेकिन? Keep looking. There. Hold it. Adler, we have eyes on the nuclear device. Bloody hell. Someone's killing the scientists. Second floor, room 27B. Perseus ने सारे साइंटिस्ट को मार दिया। Second floor, center room. Upstairs. Let's move. Meet you there, Park. Crude, but effective. Can't keep your eyes off me, huh, Park? कि लजार और पार्क की साइड से लव स्टोरी भी चल रही है, चलने दो। वैसे अपने को पता चल गया कि कौन से रूम में साइंटिस्ट को मारा है, वहीं जाना है, शायद पर्सियस वहीं मिले। Bell, use the C4. Adler, we're moving to the second floor. We're pinned down. Move ahead. We'll catch up. तो एडलर, मेसन और वुड्स घिरे हुए हैं, वो आएंगे लेकिन अपन सेकंड फ्लोर तक जाते रहते हैं। Protejan el laboratorio. Parceo nos va a virar si no los detenemos. Solo son tres. ¡Maten los idiotas! Incoming grenade. I'm moving. You got
लजारो और पार्क मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं ना, क्योंकि ओके साइंटिस्ट लोग दिख गए, लैब तक जाना है। तुम दोनों कहाँ रह गए, आओ ना। तो जितने साइंटिस्ट को मैं बचा पा रहा हूँ बचा रहा हूँ, सबको बचाना इम्पॉसिबल है। ये ड्रॉप करने वाला ऑप्शन बना के ना बहुत अच्छा किया है, निशाना मिस कर जाता है दुश्मन का। तो सामने एक एमजी चला रहा है, उसको टेक डाउन करेंगे ना तभी आगे बढ़ सकते हैं। मुछो वाला आदमी परसियस था ना, वो वहां पर क्यों होगा, इंतजार कर रहा होगा अपना, क्या लगता है? 27B, Adler, we're heading inside. Lazar, man the door. तो लजार यहां पे गार्डिंग करेगा, देखते हैं अंदर क्या है। Bell, canvas the room. Hastings, start talking. Perseus was here. He shot us, escaped. Perseus would never leave his precious nuke behind. He forced us to reverse engineer the detonation codes. Give him full access to green light. What? Are you telling me Perseus can detonate multiple nukes in Europe? Arre bhai saab. I'm so sorry. Hastings, stay with us. How many green light devices can Perseus detonate with those codes? He can detonate all of them. He'll wipe out half of Europe. And blame it all on the USA. We need to find that son of a bitch, Perseus. Time to go. No? Contact! Chopper coming in low. It's gotta be Perseus. All teams head to the roof. Move! Move! Adler, we got a shit ton of reinforcements circling his compound. तो ये साइंटिस्ट हेस्टिंग ने मरते मरते बताया कि पर्सियस अपना न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पर इसलिए छोड़ के चला गया है ना, क्योंकि उसने इन साइंटिस्ट से रिवर्स इंजीनियरिंग करवा के न्यूक्लियर कोड्स ऐसे ले लिए है ना, जिसे अब ऑपरेशन ग्रीन लाइट के टाइम में यूएसए ने जितने भी बॉम्ब्स प्लांट किए थे ना यूरोप में, सबको वो एक साथ डेटोनेट कर सकता है। तो इससे आधी ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सबका इल्जाम लगेगा अमेरिका के ऊपर। तो इसलिए एडलर ने बोल दिया कि इससे पहले पर्सियस यहाँ से भागे उसको रोकना होगा। Damn it, door is clear! Out of the way! Adler, I got eyes on an HVT. South rooftop. Could be Perseus. He's climbing into a chopper. Take him out! Movement off the window! Out the window! So Perseus भाग रहा है chopper से, Adler उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। Bell, the window! Go! पर obviously Perseus को belly मारेगा, इसलिए मुझे आगे जाना होगा। Chopper, we got bigger problems. Lock down. Don't wait for us. Prep for Skyhook. भाई ये लास्ट मिशन नहीं है, क्योंकि पर्सियस भाग चुका है और अब यहाँ से निकलने की तैयारी करनी है अपने को। Roger that, ground team. We have visual. Fasten your harness, cross your arms, and remember to keep your backs to the wind. Inbound in 2 minutes. तो बस 2 मिनट तक जिंदा रहना है। चॉपर 2 मिनट में आएगा, उसके बाद पार्क, लजार और बेल निकल जाएंगे। Copy that. Bell, take out those snipers. Sit ducks. Controlled burst, Lazar. We're low on ammo. Get out of there! You know what, Lazar? I think I'm ready for that drink now. Don't tease me, Park. But we'll have none of that horse piss you call beer. It'll be a proper drunk. Get ready. Here they come. बताओ यार, जान के लाले पड़े हुए लजार और पार्क अपने डेट प्लान कर रहे हैं, लेकिन ठीक है चलो, पर पहले यहाँ से जिंदा निकल जाए।
का 2 मिनट अभी तक हुआ नहीं, क्या बात कर रहे हो? Getting low on ammo. Where's that plane? One. I'll tell you what. When we get out of this, I'm buying. ग्रेनेड पे ये लोग जो दारू पिएंगे उसके पैसे भी पार करेगी. वाह. Ground team, this is Skyhook. Your zone is hot as hell. Can we lend an assist? That would be much appreciated, Skyhook. Roger that. Help is on the way. Ground team, Skyhook. अब ना होगा असली मार. तो तेल खत्म हो रहा है, चॉपर का हुक लगा के रेडी रहना है निकलने के लिए यहाँ से. We'll do it in turns. Bell, you harness up first. We'll cover. Go. Okay, पार्क ने बोला है सबसे पहले मैं हार्नेस लगा लूँ. ठीक है. Take cover. Shit. Almost निकल ही गए थे उसी टाइम पे आरपीजी मार दिया. कोई नहीं. My legs. Contact in T-minus 10, 9, the harness. 8, 7, 6, move your ass, Bell. 5, we're nearly out of time. 3, 2, 1. लजार पीछे रह गया. दोनों में से किसी एक ही को बचा सकते थे. ओ भाई, इस गेम में चॉइसेस कितने मैटर करते हैं अब पता चलेगा, क्योंकि पार्क को बचाया मैंने, लजार को नहीं बचा पाया. Well, that was a goddamn fiasco. You go in with the intel you have, not the intel you want. We paid the fucking piper down there. You think this is Bell's fault? I don't know whose fault it is. I just know that Perseus doesn't have a single fucking nuke. He's got dozens. Millions of people are gonna die, and the United States will take the blame. You need to find out where he's planning to broadcast the activation signal. How are we gonna pull that out of our ass? Bell knows where it is. Bell? This goddamn science project was a failure! Don't count Adler out yet. The man has a deep bag of tricks. तो मिस्टर ब्लैक का कहना है कि पर्सियस कहां से न्यूक्लियर बॉम्ब्स के कोड एक्टिवेट करने जा रहा है, ये बात बेल को पता है. बेल को कैसे पता होगी ये बात? Come on, a little further. एडलर हॉस्पिटल लाने की जगह सेफ हाउस लेते हैं, लेकिन ठीक है, बेल ठीक ही ठाक है. सिम्स, गेट द गर्नी. एडलर कैसे घसीटते हुए ले जा रहा है भाई, उठाई के ले जाता है यार. Bell, I feel like I owe you. Bloody hell. पार्क और लजार की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई. Going to lose a lot more than Lazar if we don't execute this next move correctly. We need you to hang in there for one more assignment. I'm counting on you again, Bell. Sims, get the dosages ready. All of them. Adler, stop wasting our valuable time. He's of no use to us anymore. Stay alert, Bell. You're the key to stopping Perseus. You always have been. No more half-assing it. We're doing an intracerebral injection. Injecting directly into the brain could provoke seizures, or worse. Damn, through the eye socket. You sure about this, Doc? अरे बाप रे, ये एक्टर क्या कर रहा है? बेल यानी मेरे साथ आग पे इंजेक्शन दे रहा है. The memory should begin almost immediately. Bell, listen to me. I need you to remember. Think back to our time in Vietnam, one more time. We need to finish what we started. We had a job to do.
तो इन सबको ऐसा लगता है कि पर्सियस को बेल ही रोक सकता है या बता सकता है कि पर्सियस कहाँ है, क्यों ऐसा लग रहा है? Think Bell, Perseus. Do you remember coming face to face with Perseus in Vietnam? EKG is spiking. Shit, heart rate's off the charts. I need you to relax and focus, Bell. Your helicopter crashed. You made your way through the jungle alone. You found a bunker. Do you remember the bunker, Bell? We need to know what's inside that bunker. ये एडलर क्या बोल रहा है कि पर्सियस के साथ बेल फेस टू फेस आया था? सबके बारे में बात करते हैं, रुक जाओ। Do not trust Adler. Adler is lying to you. Do not trust him. Do not listen to Adler. He is lying to you. He is lying to you. Do not trust Adler. ये पर्सियस की आवाज बेल के दिमाग में क्यों आ रही है? During a mission to investigate reports of a Soviet bunker, your chopper was hit by ground fire. According to your debrief, you woke up in the middle of a firefight. The crash survivors were defending against a VC attack. You ran forward and picked up an M16. बेल जब आधा टूटा फूटा यहाँ पर आया तो पार्क ने पहले थैंक यू बोला उसकी जान बचाने के लिए और कहा कि अभी एक और असाइनमेंट तुम्हारा बाकी है और पर्सियस को रोकने की चाबी तुम ही हो और हमेशा से तुम ही थे। तो एडलर ने पता नहीं कौन सा डोसेज मंगवाया सिम से, लेकिन पार्क मना कर रही थी कि डायरेक्ट ब्रेन में अगर इंजेक्शन दोगे तो हो सकता है कि दौरे पड़ने लगे और मर भी सकता है बेल। लेकिन एडलर ने सुना नहीं और आंख में इंजेक्शन दे दिया और बोला कि वियतनाम वॉर में जो अधूरा छूट गया था उसको याद करो, क्योंकि वहां पर तुम एक बंकर में गए थे और तुम फेस टू फेस आए थे पर्सियस के साथ। तो ये इंजेक्शन देने से बेल अपनी पुरानी यादों में आ गया है जो वियतनाम वॉर में ये था, और एडलर को ये जानना है कि उस बंकर के अंदर जो पर्सियस फेस टू फेस आया था बेल के साथ तो वहां पर क्या हुआ था। तो वियतनाम वॉर के टाइम में तो अपने साथ एडलर भी था, सिम्स भी था, लेकिन ये अभी यहां पर बेल अकेला है। तो इस मेमोरी को अच्छे से याद करने में एडलर मदद कर रहा है और वो बता रहा है कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें ये लिखा होता है कि तुम्हारा चॉपर क्रैश कर गया था और नीचे दुश्मन लोग हमला कर रहे थे, तो तुम अपने साथियों से नीचे मिले और तुमने M16 उठा के उनपे हमला, दुश्मनों पे हमला स्टार्ट कर दिया। और पर्सियस की आवाज पता नहीं क्यों बेल को सुनाई देने लगी और पर्सियस की वो आवाज बोल रही थी कि एडलर झूठ बोल रहा है तुमसे, एडलर पे यकीन मत करो, सच्चाई का पता लगाओ। तो ये जो अभी फाइट में करूंगा ये बस एक याद है, लेकिन इसमें भी मर सकता हूं मैं, तो मरना नहीं है और बंकर को ढूंढ के एडलर को बताना है कि पर्सियस ने क्या बोला था मुझे। पता नहीं क्या चल रहा है लेकिन मजा आ रहा है, देखते हैं क्या है। Then you realized you were the sole survivor. You set off to locate the bunker. तो यहाँ पर फाइट करके बेल ने जो इन्फॉर्मेशन लिखवाई होगी रिपोर्ट में उसी को पढ़ के एडलर बता रहा है कि आगे तुमने ये बताया था कि जो दुश्मन थे वो जंगल में भाग गए और तब तुम्हें पता चला कि तुम ही सिर्फ बचे हो और तुम्हारे जितने साथी मर गए, तो तुम आगे निकल गए बंकर की तलाश में। तो चलो मैं आगे निकलता हूँ, क्या कर सकते हैं, बाकी सब ठीक है, लेकिन ये बेल की याददाश्त कैसे चली गई, ये क्या चक्कर है और इस बारे में बताया क्यों नहीं गया। The path split near a ruin, so he took the right fork, not the trail to the left. तो एडलर बोल रहा है कि तुमने राइट वाला रास्ता लिया था, रिपोर्ट में ऐसा लिखवाया मैंने, तो चलो राइट वाला रास्ता लेके आगे बढ़ते हैं। Down, get down. VC. He's moving close.
चलो बढ़िया, और साथी मिल गए। अच्छा आगे बहुत सारे दुश्मन हैं, छुप के जाना है और इनको साइलेंटली चाकू से मारना है। तो ये लोग थैंक यू बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हारे मिशन के लिए गुड लक। इनको कैसे पता कि मेरे पास कोई मिशन है? ये तो बस मेरी याद है ना। You heard Russian voices from a cave across the river, so you went to investigate. तो एडलर याद दिला रहा है कि गुफा में से रशियंस आवाजें आ रही थी, तो तुम अंदर गए इन्वेस्टिगेट करने। तो एडलर मेरी रिपोर्ट के हिसाब से जो भी याद दिलाते जाएगा वो करते रहना, ओके? You equipped your shotgun and had a bow ready. That's when you discovered VC soldiers meeting with Soviet agents. तो रिपोर्ट के हिसाब से इस टाइम मेरे पास शॉटगन और धनुष था, इसलिए दोनों अपने आप से हाथ में आ गया। ये रास्ता भी क्लियर किया जाए, आ जाओ। एडलर बोल रहा है कि पहाड़ में क्या पत्थर जमा कर रहा, आगे बढ़ते रहे। मैं डांटने की क्या जरूरत, मैं कर रहा हूं ना। एडलर आगे ही कहानी क्या बताई थी बेल ने, बताते जा तब ना मैं करते जाऊंगा। Yes, Bell. That was the door into the Soviet bunker. तो एडलर याद दिला रहा है कि यही वो बंकर का दरवाजा था, इसी के अंदर पर्सियस बेल मिला था। अब बताना है किसके अंदर क्या हुआ था। Yes, good, the bunker. Now tell me about Perseus. इस बंकर के अंदर पर्सियस अकेले क्यों है? चलो देखते हैं और जो भी पता चलेगा बताना है एडलर को। ये क्या हो गया? We almost had it. Let's run six. Okay, ready. Bell, we've got a job to do. According to your debrief, you woke up and the rest of your crew was missing. The VC were on the ground searching for survivors. You readied your bow to take them out silently. एक मिनट, ये एडलर ने कहानी क्यों चेंज कर दी? बोलता है कि तुम जब उठे तो तुम्हारे सारे साथी मिसिंग थे, अभी तो कुछ और बोल रहा था। ये एडलर ने तुरंत बोला कि मैंने एमजी से यहाँ पर फाइट करा था अपने साथियों के साथ, ये मिशन अब रात में क्यों होने लगा? और बोल रहा है कि तुमने ये रिपोर्ट लिखवाई है, तो मैंने दो अलग अलग रिपोर्ट लिखवाई है क्या? ये चल क्या रहा है? चलो फिलहाल जो भी बोल रहा है करते रहते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी गेम में दिमाग इतना खर्चा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अच्छा लग रहा है। Thank you.
ये एडलर कुछ छुपा रहा है क्या मुझसे? ये झूठ बोल रहा है, पर्सियस की आवाज मेरे दिमाग में, मतलब बेल के दिमाग में गूंज रही थी कि एडलर तुमसे झूठ बोल रहा है, सच्चाई का पता लगाओ। ये गन में रेंज ही नहीं है, इससे अच्छा तीरी यूज करता हूं। बताओ ये एडलर ने मेरी रिपोर्ट चेंज कर दी है, मतलब बेल की रिपोर्ट, तो अभी ये मिशन रात में हो रहा है और यहाँ से मैं अकेले कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो एडलर बताओ आगे मैंने क्या लिखवाया था, यानी बेल ने क्या लिखवाया था रिपोर्ट में? The path split near a ruin. So you took the well-traveled trail on your left, not toward the waterfall on the right. अभी इसने बोला था कि तुमने राइट लिया था, तो मैं राइट लेके आगे गया, पर अब इस टाइम ये बोल रहा है कि तुमने लेफ्ट लिया था, राइट नहीं लिया था, तो चलो ठीक है लेफ्ट लेके आगे जाते हैं। ये पार्क और एडलर बेल को यादों में डाल के पता नहीं क्या खुफिया बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, सबटाइटल भी लिखाया नहीं। You mentioned crossing a bridge near a village. The bunker was somewhere on the other side. लजार दिखा लेकिन वो गायब हो गया, obviously imagination है सिर्फ। At the fork, you followed the road right toward the sound of gunfire. तो एडलर के कहना है कि यहाँ से राइट लेना है और गोलियों की आवाज आ रही थी वहां जाना है। Seeing a firefight, you readied your M16. He stored up a hornet's nest. We need chopper support ASAP. Roger that. Chopper inbound. ETA 2 minutes. तो कुछ साथी भी मिल गए यहाँ पर, जब तक चॉपर आ रहा है मदद करने के लिए इनको मारना होगा। कैप पहनी हुई उसकी वजह से ये लोग अच्छे से दिख जा रहे हैं, वरना अंधेरा इतना है ना। आगे की रिपोर्ट बता रहा नहीं है कि बेल ने क्या लिखवाया था।
चलो चॉपर ने आगे का रास्ता क्लियर कर ही दिया, आगे बढ़ते हैं। Yes, this was the bunker entrance you described in the report. Adler बोलता है कि ये वाला बंकर का दरवाजा है, तो वो लास्ट टाइम जहां गए थे, ये Adler झूठ बोल रहा है। दोनों बार रिपोर्ट अलग अलग कैसे हो सकती, वो भी इतनी अलग। चलो अंदर जाते हैं। तो पार्क समझा रही है कि बेल को शायद दौरे पड़ने वाले फिर से, और मर भी सकता है बेल। लेकिन ये है क्या, प्रोजेक्टर? तो यहां से आगे बढ़ने के लिए ये प्रोजेक्टर का यूज करना होगा। देखते हैं क्या करना है। अच्छा अच्छा मैं समझ गया, ये प्रोजेक्टर पे दरवाजा बनाना है। पेनीवाइज की मूवी देखी है, प्रोजेक्टर में से वो बाहर आ गया था, तो ये दरवाजा भी बाहर आ जाएगा क्या इसमें से? बताओ, प्रोजेक्टर से बनाया हुआ दरवाजा खोलने का ऑप्शन है। ये सब दिमाग में चल रहा है ना, इमेजिनेशन है सिर्फ। तो भले ही दूसरे तरीके से आए लेकिन लोकेशन वही है। अब देखना है कि पर्सियस क्या कर रहा है। फिर से यहां पे याद टूट गई। No, don't stop, Bell. Fuck. Hand me the fallback scenario manual. Here it is. Bell, we've got a job to do. According to your debrief, you woke up in the middle of a firefight. Crash survivors were defending against a VC attack. You readied a grenade launcher and charged ahead. कसम ये एडलर ने तीसरी बार कहानी चेंज कर दी। पहले बोला एमजी मेरे पास, फिर बोला कि रात में मैं अकेले मिशन कर रहा था, अब बोलता है कि मेरे पास ग्रेनेड लॉन्चर था। ये एडलर क्या छुपा रहा है मुझसे, झूठ बोल रहा है? ये एडलर की कहानी हर बार चेंज हो रही है। ये फॉलबैक मैनुअल की क्या बात कर रहा था? तो फिर से उसी बंकर में जाना है, लेकिन एडलर की कहानी देख रहे हो ना, हर बार चेंज होते जा रही है। एक मिनट, ये जो दुश्मन मारे हुए इनका शक्ल एडलर जैसा, एडलर है। एक मिनट रुको, ये एडलर ने बेल के दिमाग के साथ इतनी छेड़छाड़ करी है ना कि बेल को अब देख लो, सारे दुश्मन की शक्ल अब बेल के दिमाग में एडलर की शक्ल बन गई है। ये एडलर क्यों झूठ बोल रहा है बेल से? ये जो भी कहानी सुना रहा है सब झूठी झूठी सुना रहा है, और झूठ बोलकर पर्सियस के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन दे देगा बेल, मुझे ये जानना है। तो एक ही मिशन को तीन बार करवा दिया एडलर ने तीन अलग अलग तरीके से। देखो अब और क्या क्या झूठ बोलता है, फिर से इसका कुछ चेंज होगा। The path split near a ruin, so you took the well-traveled trail on your left, not toward the waterfall on the right. चलो at least इस बार यहाँ की कहानी सिमिलर थी कि लेफ्ट ही लेना है मुझे, okay? अच्छा इस बारी की रिपोर्ट में दुश्मन लोग पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे स्नाइपर लेकर। कैमोफ्लाज कितना अच्छा किया देख रहे हो। Reports at the bunker across the bridge. बेल के दिमाग में सब पॉज हो चुके हैं, और एडलर ने बताया कि तुम्हारी रिपोर्ट के हिसाब से ब्रिज के उस पार था वो बंकर जिसमें तुमको जाना है, ठीक है? You went left at the fort, not right. कितना अच्छा लग रहा है देखकर। ये एडलर अब हर जगह नजर आ रहा है बेल को, और इस बार फिर से चेंज कर दिया लेफ्ट जाना है, ठीक है? A few allies were pinned down on a ridge. You readied your sniper rifle to assist. तो एडलर बता रहा है कि साथियों की मदद की मैंने स्नाइपर से, ओके? Over us.
Roger. Diverting air power to your area, 30 seconds out. Phase 2-4, this is Phase 2-1. We got eyes in the sky ready to deliver. तो चॉपर से कहाँ अटैक करवाना है मुझे मार्क करके देना होगा. ओके Inside the house hit by napalm, you'd find a hidden bunker door. तो एडलर की नई कहानी के हिसाब से इस घर के अंदर बंकर का दरवाजा है. I don't care if the door was fucking stuck. Open it. तो एडलर बिल को डांट भी रहा है कि अगर दरवाजा बंद है तो मुझे परवाह नहीं, खोलो. आए, मैं अंदर कैसे आ गया, दरवाजा भी गायब. ये एडलर तू क्या खेल खेल रहा है मेरे साथ, मेरा दिमाग खराब होते जा रहा है. Park, give Bell another injection. एक और इंजेक्शन दिलवा रहा है एडलर. That could be lethal. Do it now. Bell's heart rate is spiking. I'm not sure how much longer Bell can last. ये एडलर को बेल की परवाह नहीं है, मरे या जिंदा रहे, इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिलवाया जा रहा है. हार्ट बीट तेज हो गई है, देख लो अब मरने ही वाला है शायद बेल. तो बेल मरने से तो बच गया है, लेकिन ये दरवाजे क्यों बंद हुए जा रहे हैं? ये एडलर बोलता है कि दरवाजे के अंदर जाओ. कैसे जाऊं मैं अंदर, ये क्या हो रहा है? एडलर मैं कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल रहा हूँ कि भूत वाला गेम खेल रहा हूँ, ये क्या है? ये गोल गोल मैं क्यों घूमे जा रहा हूं? जगह भी छोटी हो गई. Why is Bell repeating herself? Bell, stop speaking in circles. एडलर की आवाज अजीब अजीब टाइप की हुए जा रही है, लेकिन दरवाजा मिल गया अपने को, चलो अंदर चलते हैं. What? What the hell is Bell doing in the lab? इससे पहले मेरा दिमाग फटे है, एडलर समझा दे ये क्या हो रहा है मेरे साथ. बेल लैब में क्या कर रहा है? Bell, forget about the damn lab. I need to know about the bunker. तो एडलर का कहना है कि लैब जाए तेल लेने, बंकर के अंदर क्या हुआ था ये बताओ. इसके बंकर के चक्कर में ना बहुत बंकस हो रहा है फालतू का. परसियस बता दे भाई तूने क्या बोला था बेल को ऐसा, जिसकी वजह से एडलर पागल कर रहा है मुझे. Comrades, the United States and its allies slowly consume. परसियस पूरी बात तो बोलता, पाउज हो गया. अब मैं क्या करूं, पूरी इंफॉर्मेशन मिली भी नहीं. इस कंप्यूटर से शायद कुछ काम की इंफॉर्मेशन मिल जाए, जिससे ये एडलर मेरा पीछा छोड़े. पागल ही कर दे रहा, समझा भी नहीं रहा कि हो क्या रहा है मेरे साथ. आ जाओ एक एक करके तीनों इंफॉर्मेशन देखते हैं. We've known each other for years. It appears the subject's programming is beginning to take hold. Been through the hell of Vietnam together. We've got a job to do. ये बेचारे बिल के साथ ये लोग क्या तमाशा कर रहे हैं? Could Bell survive another round? Now you're asking me. Do it. We're not leaving empty-handed. Script 17. Ready. Script 17. एक मिनट, एक मिनट. We've got a job to do. We've been over this already. Skip ahead to the next part.
डर फास्ट फॉरवर्ड करवा रहा है मां कसम। डोर वाज राइट देयर एट द रुइंस बेल। यू वेंट इन। बेल, गो इनटू द बंकर नाउ। एडलर इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिए जा रहा है। एडलर मेरा दिमाग फट जाएगा। बेल, ओपन द डोर। और इसने बेल को कहानी सुनाने के लिए स्क्रिप्ट मांगी, यानी कि ये सब झूठ बात है। टेल मी अबाउट पर्सन्स। बस एडलर एक बार होश में आने दो, उसके बाद बताता हूं तेरे को। You're the only one who knows where Perseus is, where he'll detonate the nukes. Where is he, Bell? Comrades, the United States and its allies slowly consume that which is dear to us. Our leaders continue to weaken under this threat. ये बेल पर्सियस के साथियों के साथ क्यों बैठा हुआ है? It is the moral duty of Perseus to act when they will not. Soon we will possess an American nuclear bomb. The key to unlocking their entire green light arsenal. Once we control the green light arsenal, we will detonate them all from the safety of Solovetsky. बेल इन लोगों का साथी था और पर्सियस न्यूक के कोड कहां से लॉन्च करने वाला है ये पता चल गया है बेल को। I gotta admit, I'm surprised. I didn't think they'd recover so fast. We tried everything. The normal forms of interrogation weren't working. Breaking a subject's will and erasing their mind is a difficult and painful process. That's a small price to pay. The CIA's mind control program has had a great deal of success with implanted memories. You want me to tell them about my time in Vietnam? Lastly, you'll need a command phrase to trigger the implanted memories. We have a job to do. We have a job to do. We have a job. You had to reach the Soviet bunker. The Soviet bunker. It appears the subject's programming is beginning to take hold. We've got a job to do. We've known each other for years. Fought together, bled together, been through the hell of Vietnam together. We've got a job to do. And now the training's complete. You just need to give the subject a name. Bell. भाई साहब, आई डिड नॉट सी दैट कमिंग। ये क्या ट्विस्ट मारा है भाई। आज तक कॉल ऑफ ड्यूटी के जितने भी गेम खेले, इतना खतरनाक ट्विस्ट नहीं देखा। तो बेल यानी कि जो मेरा कैरेक्टर है, वो बदमाश है, मतलब दुश्मनों के साथ काम करता था, और एडलर ने इसको अधमरी हालत में बचाया और पार्क के साथ मिलकर इसकी जो मेमोरी थी उसको साफ कर दिया। CIA के पास ऐसे प्रोग्राम्स थे जिससे वो लोग किसी की भी याददाश्त पूरी साफ कर सकते हैं और अपनी नकली मेमोरी अंदर डाल सकते हैं। तो पर्सियस के साथी को बचाकर उसकी पूरी मेमोरी साफ कर दी और एडलर ने अपनी झूठी मेमोरी डाल दी इसके अंदर कि वियतनाम वॉर में इन दोनों ने फाइट करा था, और एडलर ने इस आदमी को एक झूठा नाम दे दिया बेल। तो मेरा असली नाम बेल नहीं है और मैं पर्सियस के लिए काम करता था। खतरनाक भाई। He's coming too. Bell, no more fucking around. What did Perseus say? Where is he? मुझे पता है कि Perseus कहाँ है, लेकिन मैं Adler को बताऊं, क्योंकि Adler अब देखा जाए तो भले ही इस गेम की कहानी के हिसाब से अच्छा आदमी है, लेकिन Bell के हिसाब से बुरा आदमी होना चाहिए। तो पहले तो मैं इससे पूछता हूँ कि बता भाई कि मैं हूँ कौन और मेरे साथ ये क्या हो रहा है। दोनों ऑप्शन दिया है मुझे, तो मुझे तो कहानी समझ में आ गई, लेकिन बेल को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और बात, ये एडलर जो बार बार बोलता था ना वी हैव अ जॉब टू डू, ये एक ट्रिगर कोड था जिसको सुनने के बाद बेल के अंदर इन लोगों ने जो झूठी मेमोरी डाली है वो एक्टिवेट हो जाती। तो विंटर सोल्जर देखा था ना, उसमें कोड सुनाने के बाद कैसे वो एक्टिवेट हो जाता था, वैसा ही कुछ है। बताओ, मुझे लग रहा था कि नॉर्मल कॉल ऑफ ड्यूटी गेम में दुश्मनों को मारो और बचाओ कंट्री को, काम खत्म। मुझे क्या पता था कि मैं खुद विलेन हूँ। You're disoriented, Bell. We'll explain everything later. Right now, we need to help each other. तो एडलर से पूछा कि मैं कौन हूँ, तो अभी भी ये बता रहा नहीं है और बोल रहा है कि मैं बाद में तुम्हें सब समझाऊंगा, फिलहाल हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अच्छा, अब समझ में आ रहा है कि हडसन बेल के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करता, क्योंकि वो भी तो जानता है कि बेल पर्सियस का आदमी है। इसको मैं बोलता हूँ कि भाई तू सब बकवास कर रहा है और मुझे बता मैं कौन हूँ। Bullshit is what your whole life will amount to if you don't come clean. Tell us where Perseus is. तो एडलर का कहना है कि बकवास तो तेरी पूरी जिंदगी हो जाएगी अगर सच सच बताया नहीं कि पर्सियस कहाँ है। इससे मैं पूछता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या है, ऐसे मुझे पता है क्या क्या है, लेकिन We gave you a second chance when you were shit out of luck. Now, we just want some assistance in return. Bell, you were one of Perseus's agents.
His associate, Arash Kadavar, turned on you at the airstrip in Turkey. Left you for dead. Arash ko to first episode mein mara tha na. Oh, ek minute. To jab mission kar rahe the tab dekha tha na ki Arash ne gaadi se utar ke gaadi mein teen logo ko mara tha. Usi mein Bell bhi tha. When the plane leaves Trabzon, it's stopping in Duga. This you know. Here's what you don't know. Perseus won't be there. None of these hired guns are going to leave Duga alive. We'll dump their bodies in the forest. Then we will move the weapons to Volkov in Berlin. From there, we fly to Solovetsky. But I have other plans for you. Perseus thinks too highly of you. I don't want the competition. ये सीन हमने फर्स्ट एपिसोड में दूर से देखा था जब मैं मेसन बना हुआ था. We were there. We found you after everything went down. Over here, we got a live one. तो एक तरह से देखा जाए तो एडलर ने जान बचाई. चलो अपना काम भी ये लोग निकलवा रहे हैं. लेकिन एडलर और उसकी टीम ने बेल की जान भी बचाई है और हाँ नकली मेमोरी डाल दी लेकिन अपना साथी भी बनाए है ईमानदारी से. तो क्या बोलते हो मेरे पास? मैं बोल सकता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो और मेरे पास एक और ऑप्शन है कि ठीक है मैं तुम पे यकीन करता हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ. अच्छा पर्सियस बहुत ज्यादा इंप्रेस था बेल से और इसी जलन में आरश ने मार दिया बेल को. मतलब अब इसका क्या असली नाम है ये तो नहीं ना पता है तो इसलिए बेल ही बोलेंगे. तो चलो इन पे यकीन करते और इनकी मदद कर देते, बता देते कि पर्सियस कहां से न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने वाला है. The CIA reinvented you, Bell. We needed to give you a new identity to replace the old. Sims and I both wanted you to be CIA. You didn't resist it as much as we thought you might. And we were able to utilize your language and cryptography skills as an added bonus. The bigger challenge was your memory. The CIA's MKUltra program used Adler's missions in Vietnam as a template. We needed you to have that shared experience, that lifelong bond, to establish trust. ये वियतनाम वाली जितनी भी स्टोरी थी, मेमोरी थी, सब नकली थी. बेल कभी वियतनाम में था ही नहीं. तो मैं इन लोगों को बोल सकता हूँ कि तुम लोग बहुत घटिया लोग हो और ऐसा घटिया काम करते हो, लेकिन ऐसा नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा कि मेरी आइडेंटिटी चेंज करके तुम्हें क्या फायदा हुआ. Interrogation didn't work with you, but thanks to MK Ultra's research, we had a backup plan. If you believed you were someone else, we could lead you to a place where you'd give everything up. तो क्योंकि बेल पूछताछ करने पे कुछ बता रहा नहीं था पर्सियस के बारे में, इसलिए इसकी मेमोरी साफ करके ये जो प्रोग्राम था CIA का, उससे ये लोग को पता चल जाएगा कि पर्सियस कहाँ है. ये दरवाजे का लेकिन क्या चक्कर था? Enough to get us where we are today, but we're not finished yet. We have a job to do. Bell, we've got a job to do. You've got a job to do. The trigger phrase kept you in line, but it didn't get us everything we needed. Your innermost secrets were always locked behind a door. Bell, I realize you probably hate us right now, what we've done to you. I just need you to fully understand the stakes here. What you do right now is not about me, it's not about you, it's about millions of other fucking people. It's about stopping someone who, in the end, has no true allegiance to anyone other than himself. So tell me, where is Perseus? Once we control the Greenlight Arsenal, we will detonate them all from the safety of Solovetsky. This is your chance to find out who you really are, Bell. Where is Perseus? ये होता है असली गेम जिसमें दोनों चॉइसेस दिया है. सच बता सकता हूँ कि पर्सियस सोलोवेत्स्की में, या फिर इसको झूठ भी बोल सकता हूँ. और मुझे लगता है कि झूठ बोल दिया ना तो एडलर को मारने का मौका मिलेगा. लेकिन क्योंकि ब्लैक ऑप्स 6 में एडलर जिंदा है तो ऑब्वियसली पहला ही वाला लेना होगा क्योंकि वही ट्रू एंडिंग है गेम की. अच्छा जो दरवाजा भी आधा घंटा से देख रहे थे ना, उसका क्या चक्कर था ये भी एडलर ने समझा दिया कि बेल की जो खुफिया रास्ते थे ना,
ये पर्सियस वाला खास करके ये बेल के दिमाग ने दरवाजे में लॉक करके रखा हुआ था, इसलिए बार बार एडलर उस दरवाजे के अंदर जाकर बोल रहा था कि बताओ कि उसके अंदर क्या है। तो मन तो कर रहा है कि इसको झूठ में बोल दूं, लेकिन बहुत लोगों की जान बचानी है इसलिए पर्सियस को रोकना होगा। और ऐसे भी जैसा मैंने बोला कि ब्लैक ऑप्स 6 जो कि इस साल आ रहा है उसमें एडलर जिंदा है। सोलोवेत्स्की सिम्स गेट वाशिंगटन ऑन द लाइन, एवरीवन एल्स गियर अप, वी आर लीविंग नाउ। You made the right choice, Bell. Come on. You're still one of us. तो अब जाना है पर्सियस को रोकने के लिए सोलोवेत्स्की में। तो अच्छाई करते करते बेल के अंदर भी अच्छाई जाग गई है, और इतने लोगों को तो मरने नहीं दे सकता बेल क्या। Perseus, the CIA's analysts consider him to be the single largest threat to the free world. You've been given an important task. Protecting our very way of life from a great evil. The United States and its allies slowly consume that which is dear to us. We are hours away from Perseus detonating nuclear bombs in every major European city. We'll do whatever it takes. Some of us will cross the line to make sure the line's still there in the morning. No one's gonna brand us heroes or villains. They don't know us. As for me, I've been chasing this ghost for 13 years. That ends now. तो 13 साल से एडलर ढूंढ रहा है पर्सियस को, और आज ये तलाश फाइनली खत्म होगी। पर्सियस को रोकना है किसी भी हाल में। ब्लैक ऑप्स के तीन मेन हीरो यही है, वुड्स, मेसन और एडलर। बेल हीरो नहीं बोल सकता इस गेम के बाद, शायद हीरो बन जाए। चलो ये तो फाइनल मिशन है और मैं बेल ही बना हुआ हूँ, ठीक है। Coming up on your right. Belikov really came through in the Soviet armor. No way I'm missing this. Motherfuckers are gonna pay for right to Lazard. You'll get your chance. Solovetsky's two clicks out. All units, EMP in transit. Starfish inbound, 400 knots. When that baby hits, we'll have 12 minutes max before the radio towers come back online. Our job is to knock out the AA guns and give our warbirds a clean shot. Let's take Perseus off the air. तो ऊपर जो आसमान में चॉपर दिख रहे ना, वो यहाँ पर आके धमाका करके पर्सियस को मार सकते हैं, लेकिन दुश्मनों के पास चॉपर को उड़ाने वाली गन है, उसको डिस्ट्रॉय करना अपना मिशन है। तो 2 मिनट के लिए सिर्फ रेडियो ऑफ हुआ है, उतने ही देर में इनकी गन्स उड़ा देनी है ताकि चॉपर पूरे इलाके को आगे तबाह कर पाए। तो इनकी एक एंटी एयरक्राफ्ट गन सामने दिख रही है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन पहले आदमियों को क्लियर करना होगा। Adler, this is Hudson
Johnson, have you cleared the AA guns? We need to launch these bombers. We got one AA cleared. You know that's not good enough. I can't risk an early strike. We only got one shot at this. You don't think I know that? Just be ready to launch when I tell you. तो हडसन को जल्द से जल्द चॉपर भिजवा के यहाँ पे बॉम्ब गिरवाना है ताकि पर्सियस मर जाए और वो न्यूक्स को डेटोनेट नहीं कर पाए। लेकिन जब तक सारी ए गन्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते वो रिस्क नहीं लेगा हडसन चॉपर को यहाँ भेजने का। पांच मिनट में पर्सियस डेटोनेट करने वाला है न्यू। तो अपने पास टाइम नहीं है इसलिए एडलर ने हडसन को बोलकर बॉम्ब यहाँ पे गिरवाना स्टार्ट करवा दिया है और यहाँ से निकल के जा भी नहीं सकते क्योंकि ए गन को डिस्ट्रॉय करना होगा वरना वो जो बॉम्ब गिरा रहा है ना प्लेन उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इससे पहले अपने चॉपर यहाँ पर आए वो ए गन को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। भाई साहब मिनी गन 900 गोलियां आप देखो मार। ये गन अभी नहीं मिलती तो ये मिशन बहुत टफ हो जाता। चलो बस इसको डिस्ट्रॉय कर देना है निकलना है यहाँ से। इस एरिया से 40 सेकंड में निकल पाएंगे। Round team zone is hot. You are danger close. Repeat, you are danger close. No, we gotta go now. मुझे लग ही रहा था कि बेल को ये लोग मार देंगे। बॉम्ब के बहुत ज्यादा गरीब था। न्यूक को तो रोक लिया है लेकिन बेल गया। They did it, Mr. President. They stopped the nukes. Thank God. And the CIA. Did they get Perseus? No, sir. His whereabouts are unknown. And a Russian response? Nothing yet. We're seeing signs of confusion. It's possible this was all a rogue operation. Perseus may not have been following orders from Moscow. Well, I'll be damned. Maybe we have something in common after all. तो न्यूक को तो लॉन्च होने से रोक लिया लेकिन पर्सियस भाग गया है। Stopped him. Those towers are history. What's your situation down there? Come in. Woods, have you found them yet? Over here! Give me a hand! Take my hand, Bell. ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बेल को मारा नहीं इन लोगों ने। We did it. This is a message to Perseus and those that'll follow him. We don't just sit back and hope for the best. We'll make the best happen. This is how wars are won, Bell. तो एडलर कहना है कि ये मैसेज था पर्सियस और पर्सियस को जो भी लोग फॉलो करते हैं उनके लिए कि हम चुपचाप सिर्फ बैठ के तमाशा नहीं देखेंगे और बेल देख लो जंग ऐसी जीती जाती है। Do you have an update on Kasim Javadi? Yeah. With both he and Arash Kadavar dead, their terrorist network collapsed as surviving members fought for control. With no clear leadership in place, it appears the Soviets have decided to cut ties and clean up the mess. Approximately 72 hours ago, the militants' primary encampment was burned to the ground. Nothing but ashes.
Apparently the few survivors that escaped have scattered and gone into hiding. So Mr. Black सबकी अपडेट ले रहा है हटसन से. What about Anton Volkov? Volkov has become a prime source of information since his capture. After interrogating him, MI6 quickly established a series of listening posts in East Berlin. They've already intercepted messages from the KGB to assets throughout the city. We're poking holes in the Iron Curtain. ये वोल्कोव को जिंदा पकड़ के अच्छा किया था. सारे जो जो चॉइस किए ना गेम में, सबका क्या रिजल्ट हुआ देख लो. एक नंबर. How did the cleanup in Havana go? We were able to recover Agent Azalea's body from the compound in Cuba. President Reagan personally reached out to his family and his casket's in transit to Tel Aviv. As you know, Helen Park returned to London. She'll continue to recover from her injuries there. Afterwards, MI6 plans to give her a task force dedicated to finding Perseus. What about the rest of the team? They got off Solovetsky before the Soviets could send in forces to investigate. We'll take some time to heal up, then it's back to work. What about Europe? We may have saved it from getting blown to Kingdom Come, but it's still stacked with Perseus's agents. There's more we could have done there if we'd had the time. अच्छा, Perseus के sleeper agents को भी तो मारना है, जिनके नाम निकाले थे. And Bell. मिस्टर ब्लैक बेल के बारे में अपडेट ले रहे थे, बताया नहीं हटसन ने. Arctic air. Clears the head, doesn't it? Bell, you made two extraordinary sacrifices to stop Perseus. One was without your knowledge. The other, you made that decision of your own accord. I just want you to know that this little thing that's happened with you and me, it was always for the greater good. You're a goddamn hero, you know that, kid. Thank you, Adler. Heroes have to make sacrifices. That's why when I ask you for one more, I hope you understand. It was never personal. अरे बाप कसम, ये गेम में कितने सारे ट्विस्ट हैं. क्या आदमी है एडलर. इतनी इतनी तारीफ की, लेकिन ये बेल को जिंदा भी तो नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि इसको पूरी तरह से कभी भरोसा नहीं होता बेल के ऊपर कि बेल हो सकता आगे जाकर इनको धोखा दे दे. तो हालांकि दोनों ने एक दूसरे पे गोली चलाई, लेकिन ब्लैक ऑप्स 6 का ट्रेलर आ चुका है, तो उससे ये तो पता है कि एडलर जिंदा है, यानी कि बेल को मार दिया इन लोगों ने. पता है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैंने ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर खेल लिया, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ब्लैक ऑप्स 6 आने वाला है. तो अच्छा किया कि कोल्ड वॉर खेल लिया. अब जब अक्टूबर में आएगा ब्लैक ऑप्स 6, तो उससे पहले ना एक दो पार्ट और खेलेंगे ब्लैक ऑप्स का. पुराना ग्राफिक्स है, लेकिन मजा आएगा, बाद में कभी खेला जाएगा. तो एडलर ने लास्ट टाइम में बोला कि देखो, हीरोज को हमेशा बलिदान देना पड़ता है, और तुम भी एक हीरो ही हो, इसलिए मैं आखिरी एक तुमसे बलिदान मांगने जा रहा हूँ, और बस इतना याद रखना कि मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है तुमसे. सही था भाई, एक और लास्ट में जाते आते एक और टुचका सा दे ही दिया ना ट्विस्ट. और ये खेलने के बाद ना ब्लैक ऑप्स 6 के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, कुछ 3-5 टाइप का, और मजेदार होगा. तो चलिए, फेल आरबी कोल्ड वॉर का सफर यहाँ पे खत्म होता है, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, 500K सब्स करने अपने को. और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक कहानी फेल गेम पे खत्म तो दूसरी कहानी स्टार्ट होगी, तो उसका वेट करिएगा. चलिए, टाटा.